If you want to smell exotic this winter, I'll suggest you to go for this fragrance called as I Don't Know What. This is a very good example of how a beautiful sandalwood fragrance should smell like. Generally, aapko USA se niche fragrance houses nahi milte hain, but yes, Durga has done an exceptional job because inke jitne bhi fragrances hain, sab ek se badhkar ek hain. Aur mujhe ye fragrance isliye acha laga because you can use it individually or rather, इसको आप एनहेंसर की तरह भी दूसरे परफ्यूम के साथ में यूज कर सकते हैं और इसका जो ऑरा है वो बहुत ही ज्यादा नीट है। इसकी फ्रेग्रेंस मुझे जितनी बार मैंने यूज किया मुझे याद है ये बहुत ही क्रीमी टाइप का सैंडलवुड है, थोड़ा सा अर्दी है, थोड़ा सा फ्रेश है और ये मुझे लग रहा है कि इंडिया सेंट्रिक गर्मी हो या सर्दी हो सब में ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। आने वाले विंटर्स में मैं इस फ्रेग्रेंस को इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज इसकी जो लास्टिंग है इजिली 10 to 12 आवर्स रहती है एंड मोर ओवर इसका जो प्रोजेक्शन है या सियाज है वो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल है। जितनी आपकी बॉडी वार्म्थ करेगी उतना ही ज्यादा ये फ्रेग्रेंस लाउड होता जाता है और मोर ऑल इन ऑल बीइंग अ सैंडलवुड फ्रेग्रेंस अगर आप इसको लेयर करते हैं किसी भी वुड बेस्ड फ्रेग्रेंस के साथ में या फिर ओरिएंटल नोट्स के साथ में जैसे कि लेदर तो ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छे से वर्क करता है और उस फ्रेग्रेंस का अरोमा बहुत अच्छे से लाउड कर देता है। प्राइसिंग इसकी थोड़ी ज्यादा जरूर है 21,000 पीस फॉर 100 ml बट दिस इज अ ट्रू बैंगर वैल्यू फॉर मनी फ्रेग्रेंस बिकॉज जनरली सैंडलवुड के फ्रेग्रेंसेस आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे और मुझे लगता है दिस इज अ ट्रूली डिजर्विंग फ्रेग्रेंस टू गो फॉर। अच्छा फ्रेग्रेंस है, लास्ट अच्छा करता है, स्मेल अच्छा करता है, आपके पास होना जरूर चाहिए। अगर आपको ये कंटेंट काम का लगे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक।